इंटरनेट पर क्रिप्टो करेंसी की चर्चा जोरों पर है। अमूमन हर कोई आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता हुआ मिलेगा। इसके पीछे का कारण है कि क्रिप्टो करेंसी में तेजी से उतार चढ़ाव आना। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में लोगों का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है और लोगों को इसके रिटर्न्स पाने की उम्मीद रहती है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में दुनिया के देशों में आने वाली खबरों पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हाल ही की बात करें तो बिटकॉइन डॉजकॉइन के अलावा अन्य क्रिप्टो करेंसी में तेजी से गिरावट देखी गई है और इस टाइम क्रिप्टो करेंसी में इसे देखना काफी मुश्किल देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में करियरपीडिया आपके लिए लाया है डॉजकॉइन क्या है, यह क्रिप्टो करेंसी कब आई, इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में फुल जानकारी के साथ मैंने पहले से वीडियो को बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और फुल जानकारी जान सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं मार्केट में कितने टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो कर लें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और फेसबुक के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो पर प्लेस हो रहे हैं, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं दुनिया में कितने टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी चलन में है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया में कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी चलन में है, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, रिपल, नियो, लाइटकॉइन, फेयरकॉइन, डैश, पीयरकॉइन, मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसी है। हालांकि कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जाती है, या यूं कहें कि मार्केट में कुछ ही क्रिप्टो करेंसी ने अपनी जगह बना पाई है। डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी जिसे हाल ही के महीनों में, या यूं कहें कि पिछले साल से, खासकर डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी में तेजी से उछाल आया है। सिर्फ एक दिन में 400% तक का रिटर्न, यानी कि एक दिन में ही आपका पैसा 4 गुना। हालांकि इस समय क्रिप्टो करेंसी को स्थिर रहना काफी मुश्किल देखा जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया के देशों में आने वाली न्यूज पर डिपेंड करता है। दुनिया में कौन सा देश और कंपनी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कौन सा फैसला कर रही है। डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इतना ट्रेंड आने के पीछे कहीं ना कहीं टेस्ला के मालिक एलोन मस्क का साथ जरूर रहा है। उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई मीम्स ट्वीट्स किए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है। डॉजकॉइन एक वर्चुअल यानी की डिजिटल मुद्रा है, जैसे की देशों के द्वारा यानी की केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाने जाने वाली इस करेंसी से बिल्कुल अलग है। यानी की डॉलर रुपए से ये करेंसी बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस डॉजकॉइन को ना हम सिर्फ देख सकते हैं और ना ही पैसों की तरह इसको छू सकते हैं, सिर्फ इसको ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं और इसमें बस आप ट्रेड कर सकते हैं। हाल ही के महीनों में चर्चा में आए इस डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि डॉजकॉइन यानी कि इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी। डॉजकॉइन भी अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह एक डिजिटल मुद्रा है, जो कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई और इसका ऑनर कौन है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। इस करेंसी को कोडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजैक्शन का पूरा लेखा जोखा होता है, जिसे हैक करना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम के बराबर होती है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल केंद्रीय बैंक पर निर्भर नहीं होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी में से एक है। डॉजकॉइन की शुरुआत 2013 में हुई थी। इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने वाले IBM के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं है। माना जा रहा है कि दुनिया भर में 128 अरब से ज्यादा डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी सर्कुलन में है, ये इसको महज शुरुआत कहा जा रहा है। वर्तमान आंकड़ों पर नजर डाले तो बिटकॉइन से भी ज्यादा डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बनाने में के पीछे एक फनी स्टोरी है, जो एक कुत्ते के मीम से संबंधित है। इसे प्रेरित होकर इस कॉइन को बनाया गया था। जब इसे बनाया गया तो इसकी काफी समय बाद इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। हाल ही के महीनों में डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी मीम्स पॉपुलर हुए हैं, जैसे कि डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी आसमान छू रही है, लेकिन इसमें तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी यानी कि डॉजकॉइन के प्रति सिक्के की वैल्यू तेजी से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। करंट वैल्यू पता करने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी पर अपडेट देने वाली वेबसाइट पर इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। डॉजकॉइन के बारे में खास बात यह है कि ये लिमिटलेस क्रिप्टो करेंसी है। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में कितने डॉजकॉइन है इसके बारे में कोई लिमिट नहीं है। अभी तक लगभग 113 बिलियन डॉजकॉइन का माइन किया जा चुका है और कुछ 127 बिलियन चलन में है।
तो चलिए आपको बताते हैं बिटकॉइन और डॉजकॉइन में अंतर क्या है। दरअसल आपको बता दें कि बिटकॉइन और डॉजकॉइन के बीच कई अंतर हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि डॉजकॉइन हर मिनट में प्रिंट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके बनाने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे में आप इस तरह समझ सकते हैं कि हर मिनट लगभग 10,000 डॉजकॉइन जारी किए जाते हैं, तो एक दिन में 1.5 करोड़ यानी कि एक साल में 5 अरब डॉजकॉइन के बराबर होता है। डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी के मामले में यही दिक्कत है कि इसकी आपूर्ति इसकी कीमतों पर निगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन के मामले में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को लेकर लिमिट है, इसके 21 मिलियन सिक्के ही जारी हो सकते हैं। इसकी वजह से बिटकॉइन कम होने की वजह से इसके सोने या हीरे जैसे मेटल के साथ वैल्यूएबल बना देती है। क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में बिटकॉइन की वैल्यू सबसे ज्यादा है और सबसे पहले मार्केट में बिटकॉइन को लाया गया था। यही वजह है कि ज्यादातर लोग ज्यादा फायदा कमाने के लिए डॉजकॉइन का कारोबार करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए बिटकॉइन को चुनते हैं। लेकिन ये निवेश आपको जोखिम भरा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है। डॉजकॉइन में फ्रॉड होने के चांस बहुत ही कम है। ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट के ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजेक्शन फीस बहुत ही कम, या फिर यह कहें कि अगर दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें बहुत ही कम लगता है। ये अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग तरह के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या है। एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने के बाद उसे रिवर्स करना यानी कि वापस करना असंभव सा होता है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपका वॉलेट में आईडी खो जाती है तो हमेशा के लिए खो जाती है, इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। ऐसे में आपके पैसे वॉलेट में होते हैं, वे सदा के लिए खो जाते हैं, जिससे कि आपको इसमें भारी निवेश करने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे नुकसान इस बात का है कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में किसी सरकार या केंद्रीय बैंक के बस में नहीं होता। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी में तेजी से गिरावट होती है और इसमें हाल ही के दिनों में हम इसे देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के मामले में फ्रॉड आते रहते हैं, जिसकी सरकारी एजेंसियां इसके द्वारा जांच करती रहती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। क्वाइनसुच, वजीर एक्स जैसी वेबसाइटें हैं जहां पर आप क्रिप्टो एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। इनके जरिए आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना होगा। क्वाइनसुच, वजीर एक्स जैसी वेबसाइट पर यानी कि इनके ऐप पर जाकर सबसे पहले आपको केवाईसी वेरीफाई करने के बाद अपना अकाउंट बनाए। ऐप पर अपनी बैंक डिटेल यूपीआई डिटेल्स डालें। बैंक डिटेल्स यूपीआई रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक्सचेंज में मनी ऐड करें। इन प्लेटफॉर्म पर आपका पैसा जमा होने के बाद आप इन पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉजकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन प्लेटफॉर्म पर पूरा गाइड आपके लिए मौजूद होता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले देश में क्या नियम कायदे कानून है, इसके बारे में आपको इनके अपडेट के बारे में जरूर अपडेट रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं डॉजकॉइन क्रिप्टो करेंसी पर ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बने बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।